प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। प्रॉब्लम नंबर 2 है इस टॉपिक का और ये खत्म हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है और सेंट्रल स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। इसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, मजा आएगा। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और टी इज इक्वल टू जीरो पर, ओरिजिन पर था। हमसे कह रहा है विद अ वेलोसिटी इतने, देखो ये वेलोसिटी है, ये शुरुआत की वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन में उन्होंने चलना शुरू कर दिया। शुरुआत में वेलोसिटी ये थी एक्स एक्सिस में, लेकिन बाद में उसने एक्स वाई प्लेन के अंदर चलना शुरू कर दिया अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, किसी फोर्स के प्रभाव की वजह से। हमसे कह रहा है विच प्रोड्यूसेस अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ इतना, देखो फोर्स लगा, फोर्स ने इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया और पार्टिकल जो एक्स एक्सिस में जाने की कोशिश कर रहा था, शुरुआत में एक्स एक्सिस में था, वो अब एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करने लगा। ठीक है, प्लेन के अंदर मोशन होनी स्टार्ट हो गई। आपसे कह रहा है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। अब आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर का होगा उस वक्त वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा देख लेते हैं पोजीशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं इसका लिख देता हूँ सॉल्यूशन। देखो पोजीशन के ऊपर ये सारा का सारा क्वेश्चन है। अब आप ये देखेंगे लेट अस सपोज कि टी टाइम पर उसकी पोजीशन कितनी है, आर है, तो आप कहेंगे लेट एट टाइम टी, टी टाइम पर उसकी पोजीशन कितनी है, टी टाइम पर वो आर है। तो जब आप पोजीशन को लिखोगे आप पोजीशन को, तो पोजीशन को कैसे लिखोगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप लिखोगे शुरुआत की वेलोसिटी जो कि वी नोट है, वी नोट टी, क्योंकि आपको पता है एस इज इक्वल टू कितना होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है, लेकिन अब इसको पोजीशन के टर्म में लिखोगे तो आप आर टी दिखाओगे। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है जिसको आपने वी नोट कहा, टी ऐसे रहेगा क्योंकि स्केलर है, प्लस हाफ भी ऐसे रहेगा, ए ये ए वेक्टर की फॉर्म में दिखाई देगा और टी स्क्वायर ऐसे ही, बस इतना था। ये इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से लिखी गई। ठीक है, आर टी का मतलब ये होता है, देखो अगर मैं प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट दिखा दूं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास वाई कोऑर्डिनेट भी है, इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, तो ये इसका पोजीशन कहलाएगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को मैं जब दिखाऊंगा तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये होता है, मतलब एक तरह से पोजीशन वेक्टर के पास एक्स और वाई दोनों चलते हैं। तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, क्या लिख सकता हूँ जल्दी से बताओ, मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दिखाना, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो गया। ठीक है, और वी नोट इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 5, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप टी ऐसे चलेगा प्लस हाफ, ए वैक्टर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3 आई कैप प्लस कट 2 जे कैप। ठीक है, और ये टी स्क्वायर एज एट इज ऐसे ही। ठीक है भाई, आगे देखो ये आपके पास लिखा गया है, जरा इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर लो, एक्स आई प्लस का वाई जे इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसको मैं थोड़ा सा ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 5 आई कैप टी प्लस हाफ से अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर आई कैप। इसी तरीके से जब हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ से टी स्क्वायर जे कैप बचेगा। अब देखो आई किस किस के पास है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, तो इन दोनों आई को आप सही करके लिख लो इस तरह से, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, ये तो चल ही रहा है। यहाँ से आप जब आई को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा आई कैप, आपने आई कैप कॉमन ले लिया, बाकी एज इट इज जैसा था वैसे ही रहने दिया और ये हो जाएगा टी स्क्वायर जे कैप। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी आई की और जे की टर्म में लिखा हुआ और ये भी आई की और जे की टर्म में लिखा हुआ, तो आप कंपेयर कर लो, इसका मतलब अल्टीमेटली यही है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो जो आई के साथ चल रहा है कोफिशेंट वो इक्वल होगा इधर भी। देखो आई के साथ जो कोफिशेंट चल रहे हैं वो इक्वल होंगे, तो यहाँ आई के साथ चल रहा पूरा का पूरा ये और यहाँ आई के साथ चल रहा है एक्स, तो आप कंपेयर करके आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एक्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5t प्लस के 3/2 टी स्क्वायर के। ऐसे ही आप ये देखेंगे कि यहाँ से जो जे वाई निकल कर आएगा तो वाई किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर के। देख लो वाई किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर के। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, तो आपसे कह रहा है
कि जब एक्स की वैल्यू 84 है तब वाई की वैल्यू बताओ. तो एक्स की वैल्यू 84 पुट कर गया, यहां से टी को फाइंड आउट करो. आप कहोगे हेयर एक्स की वैल्यू कितनी है 84 84, तो जैसे 84 रखोगे तो इधर चल रहा 5t प्लस के 3/2t2. तो अब इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई 84 ऐसे रखो, यहाँ एलसीएम ले लो. एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 5 × 10t प्लस के 3t2. डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 84 का जब डबल करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 8 और 8 × 16 168. और इधर बचेगा आपके पास 3t2 प्लस के 10t. सही करके लिखो 3t2 माइनस सॉरी प्लस के 10t ऐसे ही माइनस 168 इज इक्वल्स टू 0. अब ये आ गए. अब ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो. अगर समझ में नहीं आए किस तरीके से होगा तो मैं डायरेक्टली श्रीधराचार्य मेथड लगा दूँगा, उससे पता चल जाएगा कि किस तरह से ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी. तो यहाँ से आप श्रीधराचार्य मेथड लगा दो, या फिर आप एक काम कर लो, यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग वाली मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो. 168 के 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो. फिर घटाने पर आना चाहिए 10. बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लग जाएगा, छोड़ो. आप डायरेक्ट इसको श्रीधराचार्य से करो. यहाँ से आपको टी चाहिए, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी, तो बी का काम करता है ये, तो माइनस का 10 प्लस माइनस. ये मैथमेटिक्स है, ये आपसे आनी चाहिए, इतनी उम्मीद तो है मुझे. तो मैथमेटिकल पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ. टी इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर. बी अभी भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस के 4. ए का काम करता है, मैं लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है. और फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ. एक्स इज इक्वल टू, या फिर मैं रूट्स निकाल रहा हूँ, तो रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला भैया जी इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं वही कर रहा हूँ. माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4a का काम है 3, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 168. तो माइनस के 168 ये हो चुका है बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a. 2 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 6. टी इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में, जरा जोड़ लो, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 4 × 12 की 168 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और नीचे 6 लिखा हुआ है, तो 12 की जरा 168 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. तो इस तरह से लिखो यहाँ पर 168 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 8 × 16 का 6 हासिल लगा, 1 × 6 = 12, 13 × 3 कैरी 1, 2 × 2 = 1, 3 × 3 = 3, और 168 ये ऐसे ही आ जाएगा. तो ये हो गया 6 और 8 × 3 = 11 का 1 हासिल लगा 1 × 4, तो 6 × 4 = 10 कैरी 1, तो 2016. तो 2016 में जब 100 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2116 हो चुका है. तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा, टी इज इक्वल टू माइनस के 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2116 डिवाइडेड बाई 6. अब आप ये देख लो कि 2116 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2116 किसका स्क्वायर रूट होता है. अगर मैं बात करूं 50 की, तो 5×5 = 2500 हो जाएगा इसका, तो 2500 तो कम ही होगा. मैं बात करूं 45 की, तो 45 का तो कम ही होता है, 45 के में तो नहीं आएगा. अगर मैं 44 की बात करूं, तो 44 के में शायद आ सकता है. मैं इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं मोबाइल से किसका स्क्वायर रूट होगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा. आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप पता लगा लें कि किसका स्क्वायर रूट होगा. तो मुझे एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं है, कौन याद करता है 2116 का. ये 46 का, मैं भी अप्रोक्सीमेट पहुंच गया था, 44 तक पहुंच गया, तो 46 का है ये. तो ये t इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10 प्लस माइनस 46 डिवाइडेड बाई 6. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन ले लेंगे. क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकता. जब आप निगेटिव साइन ले लोगे तो ये भी निगेटिव, टोटल निगेटिव आ जाएगा, और टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, तो आप पॉजिटिव लेंगे. तो आप कहेंगे टेकिंग पॉजिटिव. जब आप पॉजिटिव लेंगे तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 10, टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 10 प्लस 46, और नीचे चल रहा है 6. तो यहाँ से टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46 में से जब 10 निकलेंगे तो आ जाएगा 36 और नीचे 6 है, तो 6 से काटोगे तो 6×36 6 आ जाएगा. तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेकेंड. मतलब टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू 84 होगी.
टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पर, हमसे कह रहा है टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पर, ठीक है 84 हो गई। तो अब ये बताओ कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बताओ वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर है टी स्क्वायर के। तो आप लिखेंगे ये वाली बात, सिंस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 36 मीटर। तो आपसे यही पूछा था कि कितना होगा, तो आप ये वाली बात कह सकते हैं जब x 84 मीटर है तब y कितना हो जाएगा 36 मीटर, ठीक है। तो एक पार्ट तो आपका यहाँ से ये फिनिश हो गया, ठीक है। अब इसके बी पार्ट की तरफ को चलते हैं, हमसे कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, और इस समय जब t इज इक्वल टू 6 है तो इस समय स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। अब स्पीड जब भी आप निकालते हो, ये तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, जब भी आप स्पीड या फिर वेलोसिटी निकालते हो तो स्पीड क्या होता है, चूंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का केस है, मोशन है प्लेन हो रहा है, तो आप क्या करते हो पोजीशन वेक्टर का अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हो तो वहाँ से आपको स्पीड मिल जाती है। तो ये आप करोगे डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में किसका, पोजीशन वेक्टर का, क्योंकि मोशन है प्लेन चल रहा है, वेक्टर का मसला है, तो आपको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। तो ये डी अपॉन डी टी ऐसे ही रहने दो, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आपके पास थी, दे रखी थी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी थी ये आप देखेंगे, पोजीशन वेक्टर दैट इज आर टी, देखो ये पोजीशन वेक्टर था, ये पोजीशन वेक्टर था, तो आप इसको कैसे करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर था 5i t प्लस हाफ 3i 2j, ये पोजीशन वेक्टर तो था जिसको आपने आर टी कहा था, तो ये है 5i t, मैं इसको लिख देता हूँ, पूरे को लिख देता हूँ 5i t प्लस, अच्छा एक काम करो ये ना लिख करके आप ये वाला लिख दो ना जो फाइनल निकल कर आया था, ये ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बात तो वो की वही है लेकिन नीचे ये है बस इसमें i अलग है और j अलग है। तो 5t प्लस 3/2 t स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 5t प्लस 3/2 t स्क्वायर, तो ये तो i वाला केस है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, ये i वाला केस है, प्लस इसमें j वाला केस भी ऐड करो, j वाला क्या है भाई आपके पास t स्क्वायर j, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और j, ठीक है भाई। अब इसको ऐसा कर लो, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब आप इसका टी का, अब देखो मैं आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता दूं आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे, अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और यहां पर एक्स की पावर एन है तो इसका मतलब यह है कि पावर पहले आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर देखो टी है सिर्फ टी, अगर मैं ये कहूं कि यार आप जो है एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू आ जाएगी 1 जो कि है। अब यहाँ पर टी है, टी का टी के रिस्पेक्ट में करो तो टी से टी कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 लिख दो प्लस। अब यहाँ देखेंगे आप, जब आप यहाँ देखेंगे तो ये देखो 3/2 तो ऐसे रहेगा, पावर पहले आ जाएगी, तो टी स्क्वायर है, पावर पहले आ गई और पावर में से एक कम हो गया, तो टी इस तरीके से, तो ये बचेगा आपका आई वाला हिस्सा प्लस। अब जे वाले का करोगे तो टी स्क्वायर है, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो पावर पहले आ गई, एक कम हो गया, तो ये जे वाला हिस्सा बचा, समझ गए। तो इसको आप सही करके लिख दो, अब आपके पास स्पीड आ चुकी है, स्पीड क्या आपके पास, आपके पास स्पीड, अब देखो स्ट्रेट लाइन के केस में स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है, तो ये वेलोसिटी भी है, ये आ चुका है आपके पास कुछ इस तरीके से, मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 प्लस 3 t, तो इसको थोड़ा सा और दूसरी ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट मैंने स्क्वायर वाई लगा दी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 t और ये है i और प्लस के 2 t, ये हो जाएगा j, सही है। तो ये वेलोसिटी आ गई आपके पास। अब हमसे कह रहा है कि यार वेलोसिटी बताओ आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और इंस्टेंट क्या था आपके पास, t इज इक्वल टू सिक्स सेकेंड कह रहा है कि उसी इंस्टेंट पर बताओ, उसी टाइम पर बताओ, तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आप कहेंगे, चूंकि t इज इक्वल टू कितना 6, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 6 रखेंगे 36 18, तो ये 18 हो जाएगा और ये i ऐसे ही प्लस 2, यहाँ पर 6 रख दिया, ये j ऐसे ही, सही करके लिखो v इज इक्वल टू 18 प्लस 5, ये हो जाएगा 23 i प्लस 6 दूनी 12 j, तो ये वेलोसिटी है। लो वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ वैक्टर, लेकिन आपको वेलोसिटी को वैक्टर को थोड़ा नहीं बताना, आपको इसको
इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बताना। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आपको पता आई जे के जो कोफिशियंट होते हैं उनका स्क्वायर होकर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। आप देखेंगे 23 का स्क्वायर होता है 529, ये तो याद ही होता है सबको, 12 का होता है 144। जब आप 529 में 144 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, कैरी वन, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 673। अब आपको पता है इसको मैं वी कह दूंगा, 673 अगर 625 होता तो वो 25 का स्क्वायर होता, क्योंकि ये 625 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 25 वैल्यू इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो ये लमसम वैल्यू आ जाएगी 55.6 के आसपास और मीटर पर सेकंड में। बस ये था इसके अंदर, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ भी टफ है। देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा हो गया, ओ 15 मिनट से ऊपर पहुंच गया, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ टफ है। 25.6 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, देख लेता हूँ, 25.9 दे रखा, तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लो क्योंकि मैंने भी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है। 25.9 ये वैल्यू आ चुकी है वेलोसिटी की, इसका मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, हमसे कह रहा अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, टी इज इक्वल टू जीरो से वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी ये थी, एक फोर्स लगा, उस फोर्स ने उस पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में ढकेल दिया, और जब एक्स वाई प्लेन में ढकेला तो उसके पास एक्सीलरेशन आया ये वाला, तो बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी भी है एक्सीलरेशन भी है, तो उसके पास कहीं ना कहीं पोजिशन होगी, तो आपने वैक्टर की फॉर्म में आपने पोजिशन वैक्टर ये लिख दिया, और आपने कहा कि पोजिशन वैक्टर को आप एक्स वाई प्लेन के अंदर ये दिखाते हो, अगर 3D के अंदर होता, एक्स वाई जेड के अंदर होता तो इसके साथ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के भी होता, लेकिन प्लेन के अंदर तो ये एक्स आई प्लस वाई जे और एक्स वाई प्लेन है, जो प्लेन होता उसके साथ वही चलता, तो आपने इसको एज इट इज जैसा था वैसे रहने दिया, इसको सही करके लिखा, फिर आपने कंपेयर कर लिया, तो कि एक्स कोऑर्डिनेट ये चल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट ये चल रहा है। अब एक्स कोऑर्डिनेट में आपसे क्या रखा था कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 684 है, तो हमने 84 रख के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व भी किया, आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपसे आती है तो, वरना श्रीधराचार्य को भी मैंने ये कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कि श्रीधराचार्य मेथड लगाते कैसे हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि 11th के बच्चों हो सकता है ना है, लेकिन 10th में आप 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़कर आए होंगे, वो आपका हरामखोरी और नाइंथ लाली है, लापरवाही है कि आपने ना पढ़ा, लेकिन श्रीधराचार्य मेथड हर बच्चे से आता है, मैंने लगा दिए रूट्स। तो मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कुछ ये इक्वेशन बने, टी इज इक्वल टू 6 सेकंड यहाँ से आ गया। मैंने कहा जब टी इज इक्वल टू 6 सेकंड है, मतलब जब एक्स 84 था तब उस वक्त टी जो था वो 6 था, तो आपने टी 6 रख के वाई में, यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता दी कि 36 मीटर आएगी, तो पहला पार्ट आपका यहाँ पर फिनिश। सेकंड वाला पार्ट आता है स्पीड का, जिसको आप वेलोसिटी भी कहते हो किसी एक मोशन ने स्ट्रेट लाइन के केस में, तो आपने कहा कि यार ठीक है वेलोसिटी जो होता है पोजीशन वेक्टर का आप डिफरेंशिएशन कर दो, निकल कर आ जाएगी, तो आपने पोजीशन वेक्टर को लिखा, उसका डिफरेंशिएशन किया। अब मुझे पता था कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन भी सिखाया फॉर्मूला लिख के, और उसी को सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई है। अब चूंकि ये वेक्टर की फॉर्मेट में आई जे की फॉर्म, आपको इसका स्केलर फॉर्म लिखना, इसका मैग्नीट्यूड लिखना, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो इसका ये होता है, इसमें आई जे के जो कोफिशियंट होते हैं उनके स्क्वायर करके ऐड कर दो, वैल्यू आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ भी टफ नहीं है मेरे होते हुए, आप सारी वीडियोज़ को देखें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा लिटरली, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल ही जाएगा, इतना आपको अपने क्लासरूम में आपके टीचर से नहीं मिलेगा जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर मेरे चैनल से आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चन करें, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, आपका 12th भी बेहतरीन हो जाएगा 11th के साथ साथ, 12th की भी सारी वीडियोस डल नहीं, जब आप 11th से 12th में जाएंगे तो इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ऐसा रोड़ा कंप्लीट हो जाएगी, टॉपर बन जाओगे आप क्लास के। थैंक यू सो मच गाइज़।